हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मैं आपके कहने पे एक एनालिसिस लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं पर्टिकुलरली एक सेक्टर के बारे में बात करूंगा और वो सेक्टर के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं, जितने भी उनके सेक्टर के अंदर कंपनीज होती हैं, उनमें से गिन चुन के मैं आपके लिए या चार या पाँच स्टॉक्स लेकर आऊँगा जो लॉन्ग टर्म पे, मीडियम टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे आपको पैसा कमा के दे सकती है और उसका आउटलुक आपके साथ मैं शेयर करूंगा। गाइस, सेक्टर एनालिसिस की अब हम स्टडी कर रहे हैं और उस पर जो सबसे पहला सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस का। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में से हमने जो सबसे पहला स्टॉक चुना है गाइज, वो है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसे हम HOEC के नाम से जानते हैं। ये सेक्टर एनालिसिस गाइज आपके बहुत काम आने वाला है और ये सेक्टर पहला है ऑयल एंड गैस। इसके साथ और भी वीडियोज आएंगी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सबसे पहले हमने HOC बनाया, HOEC बनाया, MGL है गाइज, HPCL है, BPCL है गाइज, बहुत से स्टॉक्स हैं, सबकी वीडियोज आएंगी और वो सेक्टर एनालिसिस की वीडियो सारी A to Z प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, जिसमें आप सारी वीडियोस को आराम से भी देख सकते हैं। उसके बाद भी गाइज, ये आपके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको प्लीज अच्छे से मोटिवेट करके देखिएगा और आप जितना शेयर कर सकते हैं गाइज, उन लोगों को शेयर करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, बीच में अगर आपको नॉलेजेबल लगती है, तो गाइज बीच में भी आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, मेरा यूट्यूब का आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं कि सारी प्लेलिस्ट आप सब देख पाएंगे और हर पर्टिकुलर सेक्टर के हर पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, या आपको प्री एडवांस नॉलेज मिल रही है, आपको पहले से ही पता चल रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से आप पैसा कमा पाएंगे। इसके साइड प्लस साइड में एक और अपना सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा कि HOEC का ये स्टॉक है और यहाँ लिखा होगा बियरिश बटरफ्लाई। ये बियरिश बटरफ्लाई कैसे बना, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताते रहता था कि गाटले पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैप पैटर्न, ये रेयर पैटर्न्स होते हैं जो बहुत एडवांसली बनते हैं और इनके जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इनकी स्टडी कैसे करी जाए, इनको कैसे ढूंढा जाए, ये सारी सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अगर 500 से 600 लाइक आते हैं गाइस, तो अगले वीडियो भी आ जाएगी उसके बाद। जैसे इस वीडियो को 500 लाइक मिलते हैं गाइस, तो हम तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर देंगे और उसके बारे में हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो गाइस, इस वीडियो को फैलाइए अगर आपको पसंद आती है, और गाइस अपने दोस्तों से कहिए कि इस वीडियो को जरूर देखिए। सो हम बढ़ते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसका नाम है HOEC। गाइस, सो आपके लिए एक लेकर आया हूं मैं बम्पर द न्यू ईयर ऑफर। तो गाइस, न्यू ईयर आ चुका, आने वाला है गाइस, सिर्फ 5 दिन रहते हैं, 5-6 दिन, और नए साल आने वाला है। तो गाइस, हमें किस तरीके से नए साल पे अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने मनी को अच्छी जगह लगाएं, कौन से स्टॉक्स पे लगाएं जो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न दे पाए और ये जो हमारा 2020 का साल है गाइस, वो बहुत अच्छे से निकले। तो गाइस, उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए बम्पर न्यू ईयर ऑफर, जिसमें हम आप लोगों को स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, जिन लोगों को हम कॉल्स या प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों को हम स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपके साथ महीने में 2 बार स्ट्रैटेजीज की एक वीडियो शेयर करेंगे या एक ऐसा लर्निंग प्रोस्पेक्टस शेयर करेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम आएगा। प्लस हम इंटरडे BT, ST, STBT और गाइस स्विंग ट्रेड्स तो देते ही है, प्लस पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए हम आप लोगों को एडवाइस करते हैं और किस तरीके से आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से उसको कहाँ कहाँ लगाया जाए, कैसे करा जाए। प्लस अगर आप लोग के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इंट्राडे पे कितना लगाइए, बीटी एसटी या स्विंग ट्रेड्स कितनी उसमें करिए, सारी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के साथ और फिर हमारी जो जर्नी है वो अच्छी तरीके से चलती रहती है। गाइस, आप लोग देखते होंगे गाइस, बहुत जगह प्रॉब्लम होगी कि आप देखते होंगे आप लोगों को प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, पर महीने के एंड में आप हमेशा लॉस या सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ही निकलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रॉफिट मैनेज करना नहीं आता, इसलिए नहीं हो पाता। इसलिए हम आपके साथ हैं और आप लोगों को प्रॉफिट मैनेज करना बताएंगे, कितना विड्रॉ करना है, कब विड्रॉ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये ऑफर के साथ आप जुड़िए और स्पेशल डिस्काउंट्स इसके साथ आप लोगों को मिले जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए गाइस, सिर्फ आप लोगों को हमें कॉन्टैक्ट करना है और हम लोग आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। गाइस, 1 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है, तो प्लीज साइन अप। और जो लोग को भी क्वेरीज है, ये नंबर आपको शो कर रहा है, आपको मेल आईडी शो कर रही है, जाके आप जहां पर हमें फोन करिए और गाइस मेल पे आप हमें सारी क्वेरीज लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। गुड बाय।
सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है और अपने चार्ट पे मैंने लगाया है मंथली चार्ट। हम देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करेंगे और मंथली चार्ट से हम वीकली चार्ट फिर डेली चार्ट पे जाएंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे। सो गाइस सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए और एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए जिसपे आप मंथली वीकली और डेली के चार्ट्स के टारगेट और स्टॉप लॉसेस जो भी मैं आपको बताऊं किस रेंज के ऊपर बाय करना है और क्या टारगेट है क्या स्टॉप लॉस है वो सारी चीजें नोट करिए और डेफिनेटली गाइस आप इस पे पैसा अर्न कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। देखिए गाइस आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझा के बता रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी बाय करने की, सिर्फ जितना मुझे आता है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों की नॉलेज भी गेन हो। सो गाइस ये मंथली चार्ट है और आप मंथली चार्ट में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि बुलिश गाटले एक पैटर्न ये डेवलप हुआ है और ये बुलिश गाटले के बारे में आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। बुलिश गाटले के पैटर्न पे हमें देखना होता है कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है 0.638, अगर ये 0.618 के ऊपर होता है तो ये गाटले पैटर्न का एक साइन होता है कि हाँ एक गाटले पैटर्न है। दूसरी बात ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ आपको क्लियरली अच्छे से तरीके से दिख जाएगा। अगर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है 0.789, अगर ये 0.786 के ऊपर होता है तो हम कंफर्मेशन देते हैं कि ये गाटले पैटर्न बना है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बुलिश गाटले पैटर्न है, एग्जैक्ट ये 786% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है जो कि फिबोनाची ने कंफर्मेशन दी है। मैंने ये देखी ये बॉटम से लेकर टॉप तक एक फिबोनाची ड्रॉ करा तो मुझे बताया 786 पे ये आ चुका है और यहाँ से अब हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं मंथली चार्ट में बताना चाहूंगा, ये जो बुलिश गाटले पैटर्न बना है इस पैटर्न को बनने में कम से कम गई 2.5 साल लग गए हैं। ये पैटर्न को बनने में 2.5 साल लगे हैं क्योंकि एक कैंडल एक मंथ की है तो ये 2.5 साल का ये पूरा पैटर्न है। तो मैं आपको नहीं कह सकता गाइस कि ये इतनी ऊपर तक जाएगा, ये इसको इतना टाइम लगेगा। हम आपको टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। गाइस मंथली चार्ट ओपन है, मंथली चार्ट पे इसने एक गाटले पैटर्न बनाया है। अब हम इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो हम अटते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। तो टारगेट और स्टॉप लॉस को फाइंड करने के लिए हमें दोबारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि बिना फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गाइस हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फिबोनाची रेशियोज होते हैं वो रेशियोज ही हमें हेल्प करते हैं एक हार्मोनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आप लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल्स गाइस रेशियोज ही हैं। सो हमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता हूँ, ये आप पॉइंट सी और पॉइंट डी देख पा रहे होंगे तो मैं इसको एक टॉप से लेके बॉटम तक मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। जी गाइस ये मैंने टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब ड्रॉ करी तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेशियोज बने हुए आ गए 0.236, 0.382, 0.5 और 0.618 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है अब हम उसकी बात करेंगे। सो गाइस मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बाय और सेल का लेवल बता रहा हूँ और उस पर हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जा सकता है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। फिर मैं देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर दिया इसे। तो अब आप देखिए हम स्टॉप लॉस हमें कहाँ मेंटेन करना होगा हम पहले उसकी बात करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो आप देख सकते हैं ये जो एक्स पॉइंट है ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट आ रहा है अराउंड 66.55 पे। ये देखिए यहाँ पर आपको लेवल्स दिखते रहेंगे। सो आप देखिए एक्स ये एक्स आ रहा है 66.5 पे तो हम उससे कुछ पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखेंगे। तो 66.5 आ रहा है तो हम 63 रख देते हैं, हम अपना टारगेट रख देते हैं, हमने अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं 63 का। ठीक है गाइस हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया 63 का और हम अपना टारगेट की अगर बात करते हैं तो टारगेट इसका जो मिनिमम होता है गाइस वो मिनिमम होता है 382 का, यानी कि ये यहाँ से 382 तक मिनिमम टू मिनिमम जाता है और जो इसके नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो टारगेट होता है यहाँ से, वो टारगेट होता है गाइस ये लेवल। सो जैसे कि आप समझ गए होंगे, एक सेकेंड मैं आपको और क्लियरली तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जी गाइस सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहला टारगेट है हमारा और ये हमारा दूसरा टारगेट है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट आ सकती है वो यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आप कॉपी और पेन नोट को निकालिए और मैं आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बता रहा हूँ और आप उनको आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले
हमें ये मंथली चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है, पहले मंथली डालिए और डालिए कि किस रेंज, पहले मंथली डालिए गाइस, नीचे आप रेंज लिखिए और टारगेट और स्टॉप लॉस लिखिए। मंथली चार्ट में हमें बाय सिग्नल दे रहा है, मंथली चार्ट के आगे आप बाय लिखिए, रेंज में लिखिए कि हाँ हम 83-84 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो 83-84 आपकी रेंज हो गई, प्राइस बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका क्या है, स्टॉप लॉस आपका है 63 का। टारगेट आपका है, टारगेट सबसे पहला टारगेट आपका है गाइस 110 और सेकंड टारगेट है आपका गाइस 130। यानी कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से आपको ₹50 की मूवमेंट मिल सकती है और स्टॉप लॉस आपको सिर्फ ₹20 का रखना है। तो आप इस तरीके से अगर आप देखकर चलेंगे, यानी कि ₹50 की मूवमेंट दिखा रहा है गाइज ये, यहाँ से इसकी अपसाइड है वो ₹50 है, जो कि मुझे लगता है एट अ मैटर ऑफ टाइम जा सकता है। और अगर हम दूसरे टारगेट की बात करते हैं, यानी कि हम सबसे हायर टारगेट लेकर चले, तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न के ऊपर भी वो चले जाते हैं जो बुलिश गाटले होते हैं। सो आप इस पैटर्न को कभी भी एक आजमा सकते हैं। तो अब आप लिख चुके होंगे कि बाय है, रेंज है 80-83, स्टॉप लॉस है 63, टारगेट है 110-130। और गाइस अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो हम आए हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो आप वीकली चार्ट पे देखिएगा कि जैसा कि ये मैंने बना रखा है, आपको देख पा रहे होंगे वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इस लेवल से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है गाइस, हम एक एक चीज की बात करेंगे, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम हल्के हल्के समझेंगे कि आप वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। हमने हेड एंड शोल्डर बनाया, हमारा एक हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट में बनाया, इसको बनने में कितना टाइम लगा, ये बना था गाइस मार्च 2018 में बनना शुरू हुआ था और ये ख़त्म कब हुआ, अगस्त 2019 पे। सो अब आप देख सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा ये बनने में। तो अब इसका अगर हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि एक हेड एंड शोल्डर का नीचे की तरफ टारगेट क्या होता है, तो वो टारगेट हम फाइंड करते हैं जो ये राइट शोल्डर होता है गाइस, ये राइट शोल्डर ने जो मूवमेंट दी है, ये देख रहे हैं आप यहाँ से मूवमेंट जो बनाया है, ये इसका डिफरेंस लेते हैं। यानी कि ये राइट शोल्डर का बॉटम क्या है, लेवल निकल के आ रहा है ₹105 का, और राइट शोल्डर का टॉप क्या है, वो निकल के आ रहा है ₹135 का। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ₹30 निकल के आ रहा है। यानी कि ये इस लेवल से जब भी जैसे इसने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया, वहां से ये ₹30 नीचे जा सकता है। यानी कि अगर हम ₹105 में शॉर्ट कर रहे हैं तो वो ₹70 तक जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं वो किस तरीके से एक फॉल दिखा रहा है, फॉल दिखा रहा है, और यहाँ पर ये लेवल है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लेवल है ₹70 का। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ₹70 में जाके इसका पैटर्न कंप्लीट होगा। गाइस अगर हम बात करते हैं कि जो ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं वो अपने पूरे राइट शोल्डर के डिफरेंस तक नहीं पहुंचते, मिनिमम 50% तक कवर कर लेते हैं, जो कि ये कर चुका है। अगर अब हम बात करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज है, आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म रेंज है, ये कम से कम 2.5 से 3 साल की एक रेंज है जहाँ पर ये कंसोलिडेट करता था, और एक दूसरी ब्लैक कलर की ये आप देख रहे हैं लाइन, आप देख सकते हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये ब्लैक लाइन का कितना इंपॉर्टेंट काम था। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ब्लैक लाइन पे ये कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लेता था, यहाँ पर ब्लैक लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ये वीकली चार्ट है तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग है ये ब्लैक लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और जैसे ही इसने इस लाइन को तोड़ा, उसी टाइम जब ये ऊपर आया तो उस लाइन को इसने रेजिस्टेंस माना, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इधर इसने 2 बार सपोर्ट लिया और इसे ब्रेक कर दिया। अब इसने ब्रेक कर दिया और ये जो लाइन है वो गाइस लाइन है 89 या 90 रुपीस की। तो यानी कि अब वीकली चार्ट हमें बता रहा है कि बेटा आपके लिए जो एक्यूमुलेशन है आप वो कब तक कर सकते हो, आपकी जो रेंज है आप किस रेंज में इसको बाय करके चल सकते हो। तो वीकली चार्ट बता रहा है कि आप रेंज आपको जो दी गई है वो रेंज है ₹90 से ₹70। आपको ₹90 से ₹70 के बीच में अगर आपको ये HOEC मिल जाता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं, और आपका टारगेट है हायर साइड में, वो हम उसकी बात करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कैसे कि अब मैं आपको नीचे की लाइन बता रहा हूँ, ये ₹70 की, ये ₹70 की लाइन मैंने तभी खींची थी जो कि ये पैटर्न हमें सजेस्ट कर रहा था। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि लाइन जो है ये लाइन असलियत में उसके काम है कि नहीं है, मतलब इस लाइन पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं है। हाँ गाइस, अब आप देखिएगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि लाइन भी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये पैटर्न का जो टारगेट है एग्जैक्ट इसी लाइन पे आ रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर 2 बार रेजिस्टेंस लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया। तो आप देखिए गाइस, एक पैटर्न हमें एक यहाँ तक बता रहा है कि इस पैटर्न का टारगेट ये है,
पर जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है इस लाइन का। सो अगर आप वीकली चार्ट अब नीचे लिखिए और आप अपने वो लिखना शुरू कर दीजिए तो रेंज क्या निकल के आती है, रेंज निकल के आती है कि गाइस हमें 90 रुपये से 70 रुपये के बीच में इस हिंदुस्तान ऑयल को बाय करना है, और जैसे ही 90 के ऊपर जाती है तो एक बाइक बन ही जाएगा ऑफकोर्स। सो हमें 70 से 90 रुपए के बीच हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, कुछ कुछ शेयर बाय करते रहेंगे इस 20 रुपए की रेंज में, और जैसे ही वो 90 के ऊपर जाता है हम अपने प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सो एक्यूमुलेशन आपको पता चल गया, स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस मैंने आपको वही बता रखा था 63 रुपीज का, एग्जैक्ट आपको 63 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और जो टारगेट आपको बता रखे थे गाइस, वो टारगेट में आप सबसे पहला वीकली चार्ट में टारगेट नोट करिए 100 रुपए का, और आपका जो दूसरा टारगेट होगा 100 से 105 रुपए का पहला टारगेट होगा हमारा वीकली चार्ट में। स्टॉप लॉस हमारा 63 का ही है, रेंज जो मैंने आपको बताई 70 से 90 के बीच में, और टारगेट आपको सबसे पहले मैंने बता दिया 100 से 105, और दूसरा टारगेट है गाइस 130 रुपए का, ठीक है गाइस 130 रुपए का दूसरा टारगेट है जो वीकली चार्ट हमें बता रहा है। अब देखिए गाइस, मैं आपको कुछ उल्टा सीधा चीजें नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि ये 30 रुपए का जो इसका डिफरेंस था वहां से नीचे गिर सकता है। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला ये तो कितनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की और कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये सारी चीजें अगर हम आपको सिखाएंगे और बनाएंगे तो आप डेफिनेटली गाइस आपको लर्निंग भी आप सीखोगे भी, साइड बाय साइड आप ट्रेड लेके पैसा भी कमाओगे। सो गाइस वीडियो को पॉज करके अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सके तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए किस मेहनत से हमने ये जो वीडियो बनाई है आपको कितना अच्छा लगा। गाइस ये वीकली चार्ट हो गया, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप स्टडी करेंगे और डेली चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश करा अब हम उसकी बात करेंगे। सो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि आपको हम डेली चार्ट पे बात करते हैं और डेली चार्ट में स्टडी करते हैं कि क्या हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। सो हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस डेली चार्ट में ऐसे दो पैटर्न बन रहे हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे और दिखाएंगे कि वो दो पैटर्न में क्या बुलिश है क्या बीरेश है, या दोनों बुलिश हैं या दोनों बीरेश हैं, तो उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं ये टॉप है, इस टॉप से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी बॉटम तक, आप देख सकते हैं मैंने सारे टॉप्स को मिलाया और एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, एक मैं बॉटम से भी ट्रेंड लाइन खींच देता हूं और मैं बना देता हूं, ये देख सकते हैं। सो मैंने एक टॉप से बनाई और एक बॉटम पे बनाई, ये देख रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है कि लोअर लोज लोअर हाइज हैं ये, तो ये हमें एक बीयरिश का संकेत दे रहा है एक तरीके से। अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो तो लॉन्ग टर्म से ही बीयरिश है, तो तभी इसमें एक रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं तो उसको कोई मान नहीं सकते। तो आप देखिए रेंज है, हम देख रहे हैं ये रेंज से ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा नीचे आया, यहाँ सपोर्ट फेस करा ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस करा नीचे आया और इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। अब देखिए सपोर्ट के नीचे ये काम कर रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो अब आप लोगों को यही लग रहा होगा कि भाई इसने सपोर्ट तोड़ दिया, मेरे लिए तो शॉर्ट बनता है ये। हाँ गाइस हमारे लिए शॉर्ट है, पर बहुत से ट्रेडर्स लोग जो फंसते हैं एक रेंज के अंदर, वो ब्रेकआउट देता है फिर वहां से फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिलता है और हम नीचे आ जाते हैं। वो फॉल्स ब्रेकआउट क्यों आपको मिलता है और आप क्यों उस फॉल्स ब्रेकआउट पे पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको अब बताऊंगा। तो गाइस एक सेकंड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फॉल्स ब्रेकआउट क्यों आता है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत क्लियरली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले यहां पर टेक्स्ट बनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं एक सेकंड गाइस। आपको फॉल्स ब्रेकआउट की नॉलेज भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि रेंज में हमें कब जब ब्रेकआउट हो तो उस लेवल पे हमें बाय नहीं करना चाहिए जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो हम उसकी बात करते हैं और तब तक जाके हमारी पूरी स्टडी कंप्लीट होगी और आपको बहुत गाइस बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। सो गाइस देखिए मैंने चार नंबर ड्रॉ करे हैं, तो सबसे पहला नंबर मैंने यहाँ ड्रॉ लगा दिया और सेकेंड मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, थर्ड मैंने लगा दिया गाइस इधर, एक सेकेंड, और फोर्थ मैंने लगा दिया इधर साइड, ये देखिए। अब आप देखिए, अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक सेकेंड गाइस, मैं इसको रेड कर देता हूँ। हाँ अब आप देखिए, यहाँ से इसने एक मूवमेंट दी ऊपर गया, इसने ये फर्स्ट बनाया, आप देख सकते हैं ये इसने फर्स्ट मूवमेंट दी रेंज के अंदर, फिर ये आया नीचे, उसके बाद हमने देखा इसमें एक डाउनफॉल आई। जब ये दोबारा रेंज में टेस्ट करा, इसने अपना सेकंड रेंज बनाई, एक हमने देखा इसमें एक सेकंड आया, फिर हमने देखा ये रेंज के अंदर इसने तीसरी मूवमेंट दी,
और अब फिर हम देख रहे हैं कि इसने रेंज के अंदर एक चौथी मूवमेंट दी और चौथी मूवमेंट अब इसने नीचे की तरफ एक रेंज को तोड़ दिया और नीचे आ गया, जैसे कि आपको दिख रहा है। आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो तीसरी में इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जब भी कोई एक स्टॉक रेंज में काम करता है और जब आप देख और अगर वो ब्रेकआउट देखता है चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये फोर्थ है, फोर्थ में अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि गाइस एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न का नाम मैं आपके लिए लिख देता हूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो पैटर्न क्या है। उस पैटर्न का नाम है बुलिश, ये जो पैटर्न बन रहा है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न नाम दे देता हूँ, बुलिश बीर छोड़ते हैं, सिर्फ आपको हम पैटर्न नाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। वुल्फ वेव पैटर्न होता है, तो आप देखिए, तो ये एक वुल्फ वेव पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम मूवमेंट दी, सेकंड टाइम मूवमेंट दी, थर्ड टाइम मूवमेंट दी और फोर्थ टाइम मूवमेंट देने के बाद जब ये नीचे एक रेंज को तोड़ता है तो हम देखते हैं कि एक अपसाइड आती है और वो अपसाइड इस पर्टिकुलर लेवल को इसके ऊपर निकाल के ले जाती है। और जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है ये थर्ड रेंज जो दिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट, यहां तक का एक टारगेट होता है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जी गाइस, यहां तक का टारगेट होता है बुलिश वुल्फ वेव जो अभी हमारे सामने बना है। सो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई एक रेंज में काम कर रहा है और रेंज में काम करने के बाद जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हमें याद ध्यान देना है कि ये जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट से जब भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वहां से वो दोबारा अपनी रेंज में आ सकता है और तोड़ सकता है उसको। अगर कोई थर्ड रेंज से अगर ये ब्रेकआउट देता तो मैं जरूर बाय करता, या फिफ्थ यहां से एक फिफ्थ की रैली देता और यहां से ब्रेकआउट देता तो मैं जरूर बाय करता, पर फोर्थ में हम बाय नहीं करते क्योंकि एक बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न जो है वो बन जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी हम प्रीवियस में भी जाकर स्टडी करते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। अब आप देखिए, सबसे पहले आप डेली चार्ट में, डेली चार्ट के गाइस आप दो कॉलम बनाइएगा क्योंकि दो पैटर्न है तो हम दोनों की स्टडी करेंगे, तो उसके हिसाब से हम दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं इसका टारगेट बता देता हूं, किसका टारगेट और स्टॉप लॉसेस क्या है। सो गाइस आपको जैसा लगता है कि मैंने ये बना दिया है, ये देखिए इस लेवल से हम बाय की बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस है अराउंड, इसका अगर हम मान के चले इस रेंज का डिफरेंस क्या है, इसे है कि 90 रुपीज़ से 115, यानी कि अगर हम मान के चले ये 25 रुपये का डिफरेंस है, तो अगर हम उसका 38% लेते हैं, अगर हम 50% भी मान के चले तो 12.5 रुपये हुआ, तो अगर हम उसका कुछ परसेंट भी ले ले तो हम मान के चलते हैं 8 रुपये, हमने ये स्टॉप लॉस रख दिया 8 रुपये पे और एग्जैक्ट आप देख रहे हैं 10% आ रहा है। और हमारा जो टारगेट है, हमारा पहला टारगेट तो गाइस ये रेंज की हायर साइड है, ये जो रेंज है एग्जैक्ट इस रेंज तक जाएगा, और जो हमारा सेकेंड टारगेट है गाइस, वो हमारा सेकेंड टारगेट है जो थर्ड रेंज है वहां तक का, वो भी मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ये हमारा टारगेट है गाइस, ये इतना बड़ा हमारा टारगेट है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है, जो कि बुलिश वुल्फ वेव हमें बताता है कि हम यहाँ तक तुम्हें लेकर जा सकते हैं। ये देखिए जी गाइस, सो 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का टारगेट है, यानी कि 10 रुपये का आपका, अगर हम मान के चले 9.5% का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 23% का आपका टारगेट दिखा रहा है बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न। अब गाइस हम पीछे चलते हैं और पीछे जाके स्टडी करते हैं कि कुछ ऐसा भी हुआ भी है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, कि नहीं भी हुआ, कि हम आपको फर्जी में पैटर्न बता रहे हैं। अब आइए आप दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, आप दोबारा एक बार स्टडी करिएगा और देखिएगा जी गाइस, मैंने एक लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं जी गाइस, एक सेकेंड मैं आपके लिए दोबारा बना देता हूं वो लाइन, ये देखिए देख पा रहे हैं, तो ये मैंने एक रेंज बनाई एग्जैक्ट इस रेंज में, फर्स्ट मूवमेंट नीचे आया, सेकंड मूवमेंट ऊपर गया, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट में इसने नीचे को तोड़ दिया। देखिए कितनी बियरिश कैंडल है, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल है, हम तो ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हमें अब शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, नहीं। आप देख सकते हैं कि गाइस किस रेंज के अंदर ये काम करा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इसे तोड़ दिया और फिर आप देख सकते हैं कि किस रेंज में ये घुस गया था। आप ये देखिए इस रेंज में ये आ गया, ये रेंज में आया और एग्जैक्ट आप देखिएगा कि ये शेडोज को तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप सीधा कैंडल को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपने प्रीवियस थर्ड तक पहुंचा था। ये देखिए, ये देखिए,
एग्जैक्ट यहां तक पहुंचा था, यहां इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां इतनी बड़ी कैंडल बना के दोबारा नीचे आ गया, यहां रेजिस्टेंस लिया। तो आपको ये है, देखिए प्रीवियस मैंने आपको आपकी जब जाके स्टडी करवाई तो आपको देखिए पता चला कि गाइस ये एक बुलिश वुल्फ वेव था, नीचे की तरफ तोड़ा, ऊपर गया और इसने इसको भी तोड़ा और थर्ड लेवल तक पहुंच भी गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गाइस इसमें भी ये हो सकता है और ये 105 तक जा सकता है। और आपको मैंने पता होगा कि मैंने आपको वीकली चार्ट में भी बताया था कि 100 से 105 का पहला टारगेट है, डेली चार्ट में भी ये बता रहा है कि 100 से 105 का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। सो इस तरीके से हमें अपनी पोजिशन बनानी है। तो डेली चार्ट में अगर आपने नोट कर लिया तो एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ हमें बाय कब करना है। हमें बाय करना है 90 रुपये के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा होगा उसके 8 रुपये नीचे और हमारा जो टारगेट होगा उससे 20 रुपये ऊपर होगा। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं दूसरे डेली चार्ट पे और वहां जाके फिर से इसकी स्टडी करते हैं। सो कैसा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक और दूसरा हार्मोनिक पैटर्न निकल के आया, दूसरा भी क्या मैं आपको तीसरा बोल देता हूँ। पहले हमने हार्मोनिक पैटर्न की स्टडी करी जिसमें गाटले था, दूसरा हार्मोनिक पैटर्न की स्टडी करी जिसमें वुल्फ वेव पैटर्न था, तीसरा हार्मोनिक ये बटरफ्लाई। गाइस अगर मैंने आपको ये तीनों पैटर्न की स्टडी करवाई तो आप खुद देख रहे होंगे कितना छोटा सा गाइस स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और 3-4 गुना हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो ये रेयर पैटर्न्स जो बनते हैं ना, इन पैटर्न्स की स्टडी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड और हमारा चैनल आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगा और पढ़ाएगा और आपको नॉलेज गेन करवाएगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न ये डेवलप हुई है डेली चार्ट के अंदर और एक वुल्फ वेव पैटर्न डेवलप हुआ था। तो ये एग्जैक्ट बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न डेवलप हुई है और इसका कंफर्मेशन भी हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही देता है। एक्स से ए तक लेकर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक्स से लेकर ए तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब ड्रॉ करी, तो आप एक सेकेंड में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए तो एग्जैक्ट 1.618 रिट्रेसमेंट लेवल तक ये आया एग्जैक्ट वहाँ पर और वहाँ से एक अपमूव दिखा रहा है। सो अब हमारे लिए यहाँ पर भी एक बाय बनता है, ये बुलिश बटरफ्लाई का एक बाय लेवल होता है और बाय लेवल के लिए अगर हम एक टारगेट सोचने चले तो वो टारगेट क्या निकल के आता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम टारगेट की बात करेंगे और टारगेट के लिए हमें आपको पता ही है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने पड़ती है। तो हम सी से लेकर डी तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हुए चलते हैं। ठीक है गाइस, अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा जो आता है, वो पहला टारगेट हमारा आता है एग्जैक्ट ये लेवल जो कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। और जो हमारा सेकंड टारगेट आता है वो गाइस सेकंड टारगेट आता है 618 का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि गाइस ये है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। और थर्ड टारगेट जो आता है, जो बुलिश बटरफ्लाई है जो बहुत एक्सपेक्टेडली बनता है, उसका जो टारगेट आता है वो आता है जो इसका प्रीवियस ए लेवल है, ए लेवल वहां तक ही चले जाता है। ये देखिए यहां तक ये आ जाता है। और स्टॉप लॉस इसका क्या है गाइस, इसका स्टॉप लॉस को फाइंड करना थोड़ा सा हम मान के चले तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बटरफ्लाई के स्टॉप लॉस को मान के चलना, क्योंकि वो अपने हमें क्योंकि उसके लिए प्रीवियस सपोर्ट्स ढूंढने पड़ते हैं। अगर हम प्रीवियस सपोर्ट की बात करते हैं कि हम क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तो उसके लिए हम एक बार मंथली चार्ट में चलते हैं, सॉरी वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखिएगा मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई थी आप लोगों के लिए और ये सपोर्ट लाइन पे यहाँ पर इसने देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और ऊपर गया तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है 79 रुपीज़ का। तो 79 रुपीज़ का एक लेवल निकल के आ रहा है तो हम यहाँ पर 79 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस मान के चलते थे। इस लेवल पर मैं आप लोगों को बाय करवा रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस है गाइस 79 रुपीज़ का, ये है मेरा स्टॉप लॉस 79 का। भी क्या रखना गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं 79 4-5 रुपये का हुआ, हम थोड़ा और डीप डाउन रख देते हैं, हम 8 रुपये का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखते हैं जो मैंने आपको अभी डेली चार्ट पे बताया। और हमारा टारगेट था पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, हम दूसरे तक चल देते हैं, हम तीसरे तक भी नहीं जाते, हमारा ये टारगेट है। यानी कि ये बता रहा है कि गाइस अगर आप 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आपको 1 रुपये के मुकाबले 4 रुपये मिलेंगे, आप समझ रहे हैं। यानी कि अगर आप 8 रुपये लगाते हैं तो उसके आपको 30 रुपये मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बटरफ्लाई पैटर्न हमें ये सजेस्ट करता है। सो इस तरीके से मैंने आपको मंथली चार्ट के भी बता दिए, डेली चार्ट के भी बता दिए, वीकली चार्ट के बता दिए। हाँ गाइस इसके टारगेट स्टॉप लॉस एक बार और नोट कर लीजिए, इसका स्टॉप लॉस है गाइस अराउंड 73 पे और इसका टारगेट आ रहा है 112 का। रेंज आपको जो बाय करनी है वो रेंज आप बाय कर सकते हैं 80 या 85 रुपीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको बताई, जब मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस रेंज बताई, तो एक चीज़ पर्टिकुलरली निकल के आ रही है कि हमारी रेंज है 90 रुपये से 70 रुपये के बीच में बाय करने की, ये हमारी रेंज है। क्योंकि 90 रुपये का लेवल जैसी वो तोड़ देता है गाइस, तो एक फ्रेश बाय पोजीशन भी बन जाती है। तो
90 से 80 रुपए का, 90 से 70 रुपए के बीच में हमें बाय करना है। हमें स्टॉप लॉस लगाना है 63 रुपीज का, और टारगेट हमारे जो निकल के आते हैं वो 105 रुपए से 130 रुपए तक के निकल के आते हैं। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक पे आप लॉन्ग टर्म पे बहुत पैसा कमाएंगे। और ये आपको मैं अपने खुद से बता रहा हूँ कि गाइस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैंने एवरेजिंग स्टार्ट कर दी है, इस पे मैंने स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दिया है। जैसे इस पे ये बॉटम बना था एग्जैक्ट इसी लेवल का, 81-82 का जो बॉटम बना था, मैंने इस पे अपनी बाय पोजीशन बना ली थी, मैंने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लिया था। मैं हर एक डिप पे इसको बाय करते रहूंगा या 90 रुपए के बीच में से बाय करते रहूंगा, और 90 रुपए के ऊपर जाके मेरा प्रॉफिट आते रहेगा आते रहेगा। सो गाइस आपको मैंने खुद बताया पर्सनल से कि मेरे इसमें होल्डिंग है, मैंने इसको बाय करना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ बाय करने की, आपका रिस्क है आपका प्रॉफिट है गाइस, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास जितनी नॉलेज थी जितने पैटर्न्स थे सब आपको एक ही स्टॉक के अंदर मैंने बता दिया और सब आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितनी मेहनत से जो मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जो इतने टाइम से वीडियो में इसकी स्टडी कर रहा था पर्टिकुलर स्टॉक की जो मैंने बनाई है, आपको कैसी लगी है, और आप कौन से अगले स्टॉक के ऊपर मैं आपके लिए कौन से अगले स्टॉक के ऊपर बताऊं। सेक्टर गाइस ऑयल एंड गैस है, मनी कंट्रोल पे अगर आप जाएंगे वहां पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में सर्च करेंगे तो वहां पर आपको स्टॉक्स की लिस्ट दिख जाएगी। उसमें ऐसे आपको कोई स्टॉक पसंद है या अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं उसके लिए, तो मैं उसके लिए बनाना शुरू कर दूंगा, और जिसपे स्टॉक पे सबसे ज्यादा कमेंट के स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। सो गाइस जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए अपने ग्रुप में फैलाइए, और गाइस मुझे जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बता सकते तो गाइस आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप लोग मुझे बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे बता सकते हैं, और गाइस मैं आप लोगों को और ज्यादा इस पे नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर करूंगा। सो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर अपनी सीरीज की पहली वीडियो को खत्म करता हूं, और मैं आपसे मिलता हूं कल अगली वीडियो के साथ। तो गाइस मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।